जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येन जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। श्री संजय सिंह, धन्यवाद माननीय, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर, प्लीज माननीय, हैव योर से, नो वन शुड बी ऑन द चेयर। माननीय, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। माननीय, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ओल्डेस्ट। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 20,000 करोड़ बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो।